नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं संजय मित्तल। आज गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। गाजियाबाद का कवि नगर रामलीला मैदान है, यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। इसके साथ साथ 632 लाभार्थियों को 327 करोड़ का ऋण भी वितरित करेंगे और 6,000 से युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित करेंगे। सीएम योगी 757 करोड़ से अधिक की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर करने के लिए आएंगे। यहां की तस्वीरें हम दिखाते हैं कि यहां पर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए किस प्रकार से यहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 11:30 बजे का रखा गया था, लेकिन बारिश होने के कारण वो प्रोग्राम अभी कुछ देर के लिए डिले कर दिया गया है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से पूरे उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ माना जा रहा है कि जो गाजियाबाद विधानसभा सदस्य सीट जो कि अतुल गर्ग यहां से सांसद चुन के गए हैं, उनके द्वारा वो खाली हुई है। वो एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर एक तरीके से आ रहे हैं कि सदर विधानसभा चुनाव सीट को लेकर जो वर्चस्व की लड़ाई है वो उसको पूरा कर पाए। गाजियाबाद से पंजाब के लिए संजय मित्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।